दोस्तों ये लैपटॉप डेल लैटीट्यूड E6440 है। ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, पावर बटन प्रेस करने पर ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डिसअसेंबल करेंगे। आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से कैसे एक एक पार्ट डिसअसेंबल होता है और मदरबोर्ड कैसे निकलता है। सबसे पहले इसकी बैटरी निकालेंगे, ये लॉक है बैटरी का, लॉक से ठीक करेंगे। देखिए इजीली हमारी बैटरी निकल गई। इसके बाद इसकी हार्ड डिस्क निकाल लेंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क होता है, दो पेज होता है, दो पेज खोलेंगे। पेज ध्यान से स्लाइड करेंगे,
ये पार्ट खोल। बारी आएगी कीबोर्ड भी खोल लेंगे कीबोर्ड भी मिल जाएगा। ये देखिए कीबोर्ड खुल गया, ये कीबोर्ड बाहर आ गया दोस्तों। इसके नीचे भी पेज है, पेज खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड में बहुत सारे पेच लगे हुए हैं, इसे भी खोलेंगे। जितने एरो बने हैं सारे पेज खोलना है मदरबोर्ड के, तभी हमारा मदरबोर्ड बाहर निकलेगा। खोलने के लिए यहाँ के पेज खोलना पड़ेगा। Thank you.
लैटिट्यूड E6440 मदरबोर्ड है, इसका कोड है LA993। इससे पहचान हो जाएगा हमें कौन सा मदरबोर्ड लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को डेल लैटिट्यूड E6440 कैसे असेंबल करेंगे ये बताऊंगा। सबसे पहले ये मदरबोर्ड बैठाएंगे, पेस्ट लगा लेंगे, सीपीयू पेस्ट, इससे कूलिंग सही हो गई, इसका हीट नहीं करेंगे ज़्यादा, इसका फैन है, इस फैन को थोड़ा साफ कर लेंगे, ये बहुत गंदा हो सकता है। जो पेस्ट है सूख गया, इसे हम हटा देंगे। इस पैन को खोल के भी देख लेंगे, ये पेच लगा हुआ है इसमें, क्लिक कर लेंगे।
गंदगी लगी हुई है, गंदगी हटा देंगे
डिस्प्ले आ गया है, अब हम इसे और आगे पैक करेंगे।
दोस्तों देखिए असेंबल हो गया, इसे एक बार ऑन करके देख चेक कर लेंगे।